नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी में मैंने ये डेज़र्ट पेश किया है जिसका नाम है पज़म नुरुकू। ये साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डेज़र्ट है और ये जो है वो जो पका हुआ केला होता है उसी से ही बनाई जाती है। ज़्यादा पक जाए या फिर थोड़ा बहुत भी पका हो उससे आप बहुत आराम से इसे बना सकते हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसका कलर टेक्सचर बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैंने कैमरे को जितना जूम क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश की है और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। इसकी खासियत ये है कि ये देखने में जितना स्वादिष्ट लग रहा है बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान था। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर सकते हैं। यह बादाम से किया गया है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है और जिस पे अक्सर मैं सब्जियां चॉप कर लेती हूँ, और यहाँ पे लिया है मैंने ये गुड़। तो गुड़ को यहाँ पे मैं काट रही हूँ, आप काट लीजिएगा। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से चाकू से कट कर लीजिए। अच्छा, इसका रीज़न ये है कट करने का, ताकि जो मेज़रमेंट हो उसमें प्रॉब्लम ना हो सके, इसलिए मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना कितना क्वांटिटी आपको डालना है। तो अब क्या करेंगे, जो गुड़ का पाउडर हमने बना लिया है उसको मैं यहाँ पर एक कटोरी में रख रही हूँ, ताकि इसका इसमें कोई भी ज़्यादा मिठास ना हो, मतलब एक एवरेज मीठा हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कटोरी में मैंने आधा गुड़ ले लिया है, आप देख सकते हैं गुड़ आधा ही है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, अब इस गुड़ को इस बर्तन में डाल दिया। अब क्या करेंगे ना कि गुड़ को हम बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी मैंने एक ग्लास लिया था, उसके बाद सिर्फ दो चम्मच ही छोड़ दिया है। पूरा ग्लास जो है पानी मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो आप देख सकते हैं दो चम्मच के आसपास मैंने पानी नहीं डाला है। तो चलिए इसे पकाने रख देंगे। आइए, तो इसे मैंने गैस पे रख दिया है, इस गैस को ऑन कर लेंगे और आप देख सकते हैं इसे उबालने रख देंगे। बहुत जल्दी ये पक जाता है, बस सिर्फ गुड़ पिघलना चाहिए, यहाँ तक इसको पका लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये केला, और ये साउथ में या कहीं भी आप जाएंगे ना तो इस तरीके का केला बहुत आसानी से मिल जाता है, या आप नॉर्मली भी जो केला मिलता है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिसे मद्रास का केला कहते हैं ना, वो भी आप वो लेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें हल्का सा खट्टापन होता है। तो ये वही केला है, आप नॉर्मल केले से भी इसे बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 3 केले का इस्तेमाल किया है और ये पूरी तरीके से पके हुए हैं। पके हुए केले का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे ली है एक प्लेट केले को कट करने के लिए। अब केले को अच्छे तरीके से आप छील लीजिए। तो आप देख सकते हैं केला पूरी तरीके से पका हुआ है, और केले को अच्छे से छील के इसको आपको कट कर लेना है पीसेस में, इस तरीके से। हाथ गंदे ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से कट कर रही थी, लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैंने नॉर्मली जैसे कट करते हैं ना वैसे आप कट कर लीजिएगा पीसेस में। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। ये देखिए, अगर एक छोटा केला आता है अगर आपके पास वो है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये जो डेज़र्ट है वो वैसा ही बनेगा जैसा ही ट्रेडिशनली या ऑथेंटिक जो इसकी रेसिपी होती है, जो स्वाद होता है बिल्कुल वैसा ही इसका स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों जो केले थे उन्हें काट के रख लिया है, और आप देख सकते हैं साथ ही जो गुड़ मैंने रखा था पिघलने के लिए, तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया और बिल्कुल पानी हो गया है गुड़ का। तो बस इतना ही करना है, यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दीजिए और इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ली है एक थाली, और जो घिसने वाला होता है ना, कद्दूकस जैसे कहते हैं, वो ले लिया है। साथ ही मैंने लिया है सूखा हुआ नारियल, तो नारियल को यहाँ पे घिस लेंगे। मार्केट में आप चाहें तो घिसा हुआ नारियल भी मिल जाता है, इसका पाउडर आप उस अगर आपके पास वो है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घिस लिया है। अब मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ कि नारियल आपको कितना लेना है। तो आप देख सकते हैं एक कटोरी नारियल ये हो गया है। तो अब बहुत आसान है, याद रखना, एक कटोरी नारियल, 3 बड़े केले और आधा कटोरी जैगरी मतलब गुड़ आपको लेना है। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है, कच्चा नारियल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए
सबसे पहले ली है मैंने कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, ले लीजिएगा, मोटे तले की भी हो पतले तले की चलेगा। उसमें मैंने डाला है 4 चम्मच घी, घी घर का बना हुआ ही है, उसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो भी जो केले मैंने काट के रखे थे उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो इन्हें अच्छी तरीके से चला लीजिए और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक हल्का हल्का ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते होंगे कि केला जो है हल्का हल्का नीचे लग रहा है और एक ब्राउन सा कलर इसमें आ रहा है, तो तब तक आप इसको पकाइए। अब मैंने यहाँ पे केला पका लिया है। यहाँ पे जो गुड़ का जो हमने लिक्विड फॉर्म था, पानी बनाया था, वो हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। साथ ही हमने जो नारियल घिस के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो पूरा नारियल मैंने डाल दिया, अब इसको आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज में भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कूटी हुई इलायची ली है। इलायची साबुत थी तो मैंने उसे कूट लिया है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसे मिक्स कर लेंगे। ये पूरी तरीके से बन चुका है। लास्ट स्टेज में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी लास्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम ऐड किया है, थोड़ा सा गार्निशिंग की है ऊपर से बादाम की, बस उसके अलावा कोई भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए आइए, ये पूरी तरीके से पक गया है, रेडी हो गया है, तो इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। और एक चीज़, जो लोग केला खाना नहीं पसंद करते हैं उन्हें एक बार ज़रूर खिलाइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है जो ऑथेंटिक रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, वो मैं आपके लिए ला सकूं। प्लेटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे आप इसे खा सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आप सभी व्यूअर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।